जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल डिफेंस वॉरियर पे। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाले कि छठवीं वाहिनी पीएससी मेरठ जो है वहाँ पे जो आमद है वो कब से होगी। जो आमद की डेट है वो संभावित डेट है 2 या 3 दिसंबर से होने की संभावना है। अभी हमारे एक दोस्त है राहुल, उसने वहाँ पर बात किया हुआ था वाहिनी में फ़ोन करके, तो वहाँ पर जो बताया गया जो सूचना मिली है उसके हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ। उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा। वहाँ पर जो रीज़न है आप लोगों की जो आमद एक से होनी थी लेकिन 1-2 दिन जो लेट हो रहा है, वहाँ पे जो कमांडेंट होते हैं जो आपको ज्वाइन यानी आपका जो नियुक्ति पत्र देंगे जिसमें जिसका वहाँ पे सिग्नेचर होता है, तो सबसे ज़रूरी वही होता है। जब तक सिग्नेचर नहीं होगा वो नियुक्ति पत्र नहीं दे सकते आप लोगों को। तो सबसे पहले जब वो आ जाएंगे, वो अभी बाहर कहीं गए हुए हैं, तो जब वो आ जाएंगे उसके बाद आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग सुना देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हेलो। हाँ बताइए भैया। सर जो पीएससी वाले कैंडिडेट बोल रहे जी, 1 तारीख से बता रहे ज्वाइनिंग है, लेटर या कॉल आया नहीं अभी कुछ। भाई साहब जब तक लेटर या कॉल ना आ जाए तब तक मत आना। ठीक है जी। हाँ वैसे कब से है जी कुछ? भैया है तो 1 से 15 तक। अच्छा जी। लेकिन 1-8 दिन हमारे यहाँ विलम्ब इसलिए हो सके, लेटरों पर साइन नहीं हो भाई, कमांडेंट साहब है हैदराबाद। अच्छा जी। अच्छा हाँ 1-8 दिन का विलम्ब हो सके, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई। ठीक है जी। तो आपने कॉल रिकॉर्डिंग सुना, वहाँ पे आप जो मेरठ में जो लेट हो रहा है जिस वजह से आपने सुना, जल्दी आप लोगों के पास जो है कॉल या आ जाएगा, कॉल या मैसेज जो भी हो जिस माध्यम से उनको बुलाना होगा आप लोगों के पास आ जाएगा। तो 1-2 दिन के भीतर आप लोगों के पास मैसेज या कॉल पहुँचना शुरू हो जाएंगे और अपना जो है तैयारी जो है आप पूरी कर लीजिए। 2 या 3 दिसंबर से पूरी संभावना है कि आप लोगों की जो मेरठ की जो आमद वो स्टार्ट करा दी जाएगी। तो आई होप वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा जितने भी कैंडिडेट्स हैं छठी वाहिनी से। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ कोई भी हो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे और हमेशा अपडेट रहें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई सूचना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।